हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका देसी स्वाद किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बेसन का चिल्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुछ ले लिया बेसन। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसमें डाल दिए हैं सब। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। इसमें हम ज्यादा ना पतला करेंगे ना ज्यादा डाले, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। अगर आप दो लोग के लिए बना रहे हैं तो आधा टमाटर डाल दीजिए और आधी प्याज। ज़्यादा बना रहे हैं तो आप एक से दो प्याज ले सकते हैं, एक से दो टमाटर ले सकते हैं। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम पकाना चालू करते हैं। तो हमने गैस ऑन कर लिया है। हमने लोहा का तावा चढ़ा दिया है, लोहे के तावे पे ही बनाएंगे। हमारा तवा गरम हो गया है। हम इसमें तेल डाल देंगे दो चम्मच के आसपास। इसको इसे फैला देंगे, गरम होने तक इंतजार करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। ऐसे फैला देना है। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम फैला देंगे। इसको हम चेक करते हैं, इसको हम पलट लेते हैं ऐसे करके चक्कर से चारों तरफ। आराम से पलट देंगे। कितना अच्छे से लग रहा है। तो हमने पलट दिया था दोनों तरफ से, अच्छे से दिया था। अब इसको हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। तेल डालने की जरूरत नहीं है। तो डाल सकते हैं। हमारा बेसन का चिल्ला तैयार हो गया है। इसको हम टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। चाहे जब मन करिए तब बनाइए दोस्तों। अगर हमारी रेसिपी ये पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय।